हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो रॉयल रंबल 2022 में जब द ट्राइबल चीफ रोमन रिक्स और द विजनरी सेथ रॉलिंग्स का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, तो इस मैच में अब उसोस इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि सेथ और केविन ओवंस ने मिलकर उसोस को रिंग साइड से बैंड करवा दिया है और ये कंफर्म हो चुका है कि WWE के फीनाम द अंडरटेकर रॉयल रंबल 2022 में आ रहे हैं। और इसके अलावा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो रोमन रिक्स लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन बन गए और आज रोमन रिक्स को 508 दिन हो गए यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए और इसी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे रोमन के कजन उसोस आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन के यूनिवर्सल टाइटल रेन की वीडियो दिखाकर। और उसोस ने ये बोला कि रोमन ना सिर्फ लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन बन गए बल्कि रोमन ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन भी हैं। और इससे पहले कि रोमन और उसोस इस जीत को सेलिब्रेट करते, सेथ रॉलिंग्स ने आकर रोमन और उसोस को इंटरफेयर कर दिया और सेथ ने ये कहा कि रोमन का ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेन जल्दी खत्म होने वाला है। और सेथ ने आगे ये भी कहा कि जैसे वो और डीन एम्ब्रोस रोमन को शील्ड में मदद करते थे, वैसे ही अब उसोस रोमन की मदद कर रहे हैं। और सेथ ने उसोस के सामने चैलेंज ये रखा कि अगर सेथ किसी के साथ टीम अप करके उसोस को आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हरा देते हैं तो फिर उसोस रिंग साइड से बैंड हो जाएंगे। तो जे उसो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रोमन रिक्स ने ये कहा कि जब तक ट्राइबल चीफ परमिशन नहीं देते तब तक स्मैकडाउन में किसी भी तरह का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता। और रोमन ने ये कहा कि अगर सेथ रॉलिंग्स और उनके टैग टीम पार्टनर जो कि केविन ओवंस थे वो दोनों उसोस से हार गए तो सेथ को उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच जो उन्हें रॉयल रंबल 2022 में रोमन के साथ मिलेगा वो छोड़ना पड़ेगा। तो सेथ ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और इसलिए सेथ रॉलिंग्स और केविन ओवंस का मैच आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हुआ द उसोस के साथ। और अगर इस मैच में उसोस जीतते तो सेथ को यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच छोड़ना पड़ता और अगर सेथ और केविन ओवंस जीत जाते तो फिर रॉयल रंबल 2022 में उसोस रोमन रेक्स और सेथ रॉलिंग्स के मैच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब उसोस का मैच सेथ रॉलिंग्स और केविन ओवंस के साथ हुआ तो इस मैच के आखिर में सेथ स्टॉर्म देकर जीतने वाले थे, लेकिन तब रोमन ने इस मैच में इंटरफेयर करके सेथ रॉलिंग्स को सुपरमैन पंच मार दिया। और क्योंकि रोमन ने इस मैच में इंटरफेयर करके सेथ पे अटैक किया है इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन से ही सही सेथ और केविन ओवंस ये मैच जीत गए। और अब रॉयल रंबल 2022 में जब रोमन और सेथ का मैच होगा तो उसोस रिंग साइड से बैंड रहेंगे, लेकिन केविन ओवंस इस मैच में इंटरफेयर करके सेथ की मदद कर सकते हैं। वैसे आप लोग रॉयल रंबल 2022 में किसको सपोर्ट कर रहे हो, सेथ रॉलिंग्स को या फिर रोमन रेक्स को, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कोफी किंगस्टन ने सिंगल्स मैच में मैट कैपमॉस को हरा दिया था और कोफी की मदद करने न्यू डे के मेंबर बिगी भी आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आए थे और अलाया डिस्क्वालिफिकेशन से नेटालिया से जीत गई सिंगल्स मैच में। और द वाइकिंग रेडर्स ने टैग टीम मैच में हराया है एंजल गार्जा और हम्बर्टो कारिलो की टीम को। और जब स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर का मैच नियोमी के साथ हुआ था तो इस मैच में सोनिया डेविल रेफरी बन गई और उन्होंने चीटिंग करके नियोमी को फिर से मैच हरवा दिया है। और इसके अलावा शेमस ने रिकोशे को सिंगल्स मैच में हराया है आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मकूल इस साल 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में इंटर कर रही हैं और इसलिए रिंग साइड न्यूज ने कंफर्म कर दिया है कि मिशेल मकूल के साथ रॉयल रंबल पेपरव्यू में अंडरटेकर भी आएंगे, लेकिन अंडरटेकर का कोई मैच या फिर वो 30 मंथ्स रॉयल रंबल मैच में इंटर करेंगे या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या रॉयल रंबल 2022 में फैंस को अंडरटेकर देखने मिलते हैं या नहीं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।